नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले ऐलान किया था कि वो मुंबई की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी एक फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं और इससे नए रोजगार लोगों को मिलेंगे। और जैसे ही ये ऐलान योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने तीखा हमला बोला था और कहा था कि अगर हिम्मत है तो फिर आप मुंबई की फिल्म सिटी को यूपी ले जाकर दिखाएं। अब ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे को योगी सरकार भी अब जवाब देने की सोच रही है और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ मुंबई पहुंचे और उन्होंने सबसे पहले अक्षय कुमार से इसी कड़ी में मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि ये जो मुलाकात हुई है इसके मायने यही हैं कि किस तरीके से यूपी में फिल्म सिटी को लेकर जाया जाए, किस तरीके से उस कदम को आगे बढ़ाया जाए। बताया भी जा रहा है कि सिर्फ अक्षय कुमार ही नहीं बल्कि सिंगर कैलाश खेर ने भी योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और आज ऐसे कई एक्टर्स हैं जो सीएम योगी से मुलाकात कर सकते हैं। मुंबई के एक होटल में योगी आदित्यनाथ ठहरे हुए हैं और इसी होटल में इन दिग्गज कलाकारों से योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर रहे हैं। अक्षय कुमार और योगी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं जिसमें दोनों एक कमरे में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और देखकर ये साफ तौर पर दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में फिल्म सिटी को लेकर जो कदम आगे बढ़ाने वाले हैं उसको लेकर चर्चा की जा रही है। अब जाहिर सी बात है अगर योगी सरकार योगी आदित्यनाथ कोई कदम उठाएंगे और जिसको पहले ही उद्धव ठाकरे चैलेंज दे चुके हैं, महाराष्ट्र सरकार पहले ही उस पर तीखा हमला बोल चुकी है, तो इस मीटिंग पर रिएक्शन तो आना ही था। तो कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी बॉलीवुड का एक टुकड़ा उत्तरी राज्य में ले जाने का षड्यंत्र रच रही है। हालांकि अशोक चव्हाण सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने ट्वीट करके बहुत सारी और भी बातें कही जिसमें उन्होंने यह भी कहा कि जब बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता में थी तब कई उद्योग और कार्यालय गुजरात ट्रांसफर कर दिए गए थे। महाराष्ट्र में सरकार बदल गई लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पर अब बॉलीवुड का एक टुकड़ा वहां पर ले जाने की पटकथा रच रही है, यानी कि कहानी रच रही है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके अलावा अशोक चव्हाण ने यह भी लिखा कि बीजेपी के शासनकाल में जो कुछ हुआ हम फिर से वो नहीं होने देंगे। तो अब देखिए, एक तरफ योगी आदित्यनाथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं फिल्म सिटी को उत्तर प्रदेश में लाने के लिए और दूसरी तरफ बैरियर्स भी बहुत हैं। विपक्ष साफ तौर पर आगे आ खड़ा हुआ है, जो महाराष्ट्र सरकार है वो आगे आकर खड़ी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इन सब के बीच जो एक्टर्स हैं वो भी खासी रुचि दिखा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के इस प्लान में। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है, ये आप हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आदित्यनाथ मुंबई आए हैं उद्योगपति से मिलकर, वही खासकर बॉलीवुड कई अभिनेता मुझे मालूम नहीं, मुलाकात मुझे मालूम नहीं। योगी जी तो मुंबई में आए हैं, साधु महाराज है हमारे, योगी है मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में, एक बड़े कमरे में, बड़े सूट में मैंने देखा वो बैठे हैं और अक्षय कुमार भी उनके साथ बैठे, शायद आम की टोकरी लेकर गए होंगे अक्षय जी। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, लेकिन मुंबई की फिल्म सिटी यहाँ से कोई लेके जाने की बात करती है तो मजाक है, इतना आसान नहीं होता। बहुत पुराना इतिहास है, हम सबका खून पसीना बहा है उसमें। योगी जी से मैं इतना ही पूछूंगा कि ठीक है आप एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते तो बनाइए, लेकिन नोएडा में जो फिल्म सिटी बनी थी कुछ साल पहले नोएडा यूपी, उसका क्या हो गया, उसकी क्या हालत है, वहाँ कितनी शूटिंग होती है, वहाँ कितनी फिल्म का निर्माण होता है, ये भी जरा मुंबई में आकर बताइए। और फिल्म सिटी सिर्फ मुंबई में नहीं, फिल्म सिटी दक्षिण के बहुत के राज्यों में, आंध्र में है, तेलंगाना में है, हैदराबाद तो तेलंगाना में, लेकिन साउथ की फिल्म सिटी बहुत बड़ी है, वहाँ बड़े बड़े कलाकार हैं, वहाँ हिंदी फिल्म का निर्माण भी होता है, कर्नाटक में है, पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है फिल्म का निर्माण होता है। तो क्या योगी जी उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने के लिए इस सभी राज्यों में जाकर वहाँ के जो कलाकार हैं, वहाँ के निर्माता हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं, क्या उनका पंगा सिर्फ मुंबई से है? फिर भी अगर इस देश में कोई बड़ा प्रोजेक्ट फिल्म निर्माण के बारे में खड़ा होता है तो मुझे लगता है मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ।